जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जलपाई सबकी बड़ी खबर के साथ एक बार जनता के सामने मौत जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, घोसी के उपचुनाव को लेकर जबरदस्त चल रहे राजनीतिक संग्राम के बीच कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के समर्थन का ऐलान किया है। बताएंगे आपको पार्टी की ओर से क्या कुछ कहा गया है दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी को पंजाब के अंदर एक और तगड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के पुराने सहयोगी ने बीजेपी से गठबंधन नहीं करने की कही है बात। बताएंगे और भी क्या कुछ कहा गया है दोस्तों। वहीं पर कर्नाटक के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे को मारने की बात करने वाले बीजेपी के नेता के खिलाफ आखिरकार कर्नाटक की पुलिस ने कार्रवाई की है और घर से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सासा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के अंदर स्कूल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर अब किसान नेता नरेश टिकैत पहुंचे हैं इन दोनों बच्चों के घर पर गले मिलवाकर पूरे मामले पर एक बड़ा मैसेज दिया गया है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में एनसीपी को लेकर शरद पवार ने फिर से एक नया दावा किया है। 24 घंटे के अंदर उनके बयान में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला है। वहीं पर मध्य प्रदेश के अंदर 19,000 से ज्यादा पटवारी सड़कों पर उतरकर बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए हैं। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के घोसी उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के द्वारा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का सपोर्ट करना एक अच्छे संकेत है इंडिया गठबंधन के लिए, तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के घोसी उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी ने घोसी में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन की बात कही है। कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों इंडिया गठबंधन के हिस्सा है और इसीलिए एक उम्मीदवार उतारने पर फैसला लिया गया है। कांग्रेस पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का समर्थन करने की बात कही है, यानी इंडिया गठबंधन के सपोर्ट करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के तहत 354 घोसी विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के द्वारा समर्थन मिलने के बाद समाजवादी पार्टी ने आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की एक फिलॉसफी है कि बीजेपी के खिलाफ हर सीट पर एक उम्मीदवार उतारना है और इसी फिलोसफी पर काम करते हुए कांग्रेस पार्टी ने समर्थन देने की बात कही है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी की ओर से ये कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी को गठबंधन किसी भी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में करना चाहिए समाजवादी पार्टी को छोड़कर। इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी और समाजवादी पार्टी के नाराजगी पर कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी का उत्तर प्रदेश का नेतृत्व बदल डाला। ब्रजलाल खाबरी की जगह अजय राय को जिम्मेदारी दी गई है और इसके बाद अब इंडिया गठबंधन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि 2022 के अंदर दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे तो उनको 1,08,000 के आसपास वोट मिला था। बीजेपी के कैंडिडेट को 86,000 के आसपास वोट मिला था और बीएसपी के कैंडिडेट को 54,000 के आसपास वोट मिला था। तो इस बार के चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को मैदान में उतार रखा है और बाईपोलर मुकाबला हो रहा है। बीएसपी की ओर से कैंडिडेट नहीं उतारा गया, जो स्पष्ट तौर पर यह संकेत दे रहा है कि घोसी उपचुनाव के अंदर मुस्लिम वोट ज्यादा बिखरने वाला है नहीं, कंसोलिडेट होकर एक तरफा समाजवादी पार्टी के साथ जाने वाला है। और ऐसे में जब भी बाईपोलर मुकाबला होता है तो समाजवादी पार्टी को एडवांटेज है, इसमें कोई दोराय नहीं है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, बीजेपी के साथ पंजाब में कई सालों तक गठबंधन में रहने वाली सुखबीर बादल की पार्टी ने फैसला लिया है कि वो बीजेपी के साथ 2024 में कोई गठबंधन नहीं करेंगे। दरअसल इस तरीके की खबरें चलाई जा रही थी कि पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर का विस्तार कर रही है, लेकिन उसका मेन लक्ष्य ये है कि जैसे तैसे राज्य की स्थानीय पार्टी यानी शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन करके एक कड़ा मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को दिया जाए। लेकिन सुखबीर बादल ने ऐलान किया है कि बीजेपी के साथ अब उनका कोई गठबंधन नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। लोगों का बीजेपी से विश्वास उठ चुका है, सबको इनकी सच्चाई पता लग चुकी है। उन्होंने ऐलान किया है कि बसपा के साथ उनका अलायंस रहेगा, बीजेपी के साथ अलायंस का कोई मतलब ही नहीं है। यानी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 4 सीटें, जहां पर शिरोमणि अकाली दल के समर्थन से बीजेपी चुनाव में मजबूती से सामने आ सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बीजेपी को 1-2 सीटों पर ही जीत से संतोष करना पड़ेगा। साथ दोस्तों, कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक कैंडिडेट बनाया गया था मणिकांत राठौड़ को, जिस पर कई सारे मामले दर्ज थे, हिस्ट्री शीटर के नाम से भी जाना जाता था और प्रधानमंत्री मोदी के साथ में तस्वीर थी, तो लोगों ने सवाल भी खड़े किए थे। और एक वीडियो भी कर्नाटक के चुनाव के दौरान वायरल हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को असैसिनेट करने यानी उनकी हत्या करने की धमकी बीजेपी का ये नेता ये कैंडिडेट दे रहा था। इसके बाद अब कार्रवाई की गई है। कर्नाटक पुलिस बीजेपी के उम्मीदवार के घर पर पहुंची, उसे अरेस्ट किया गया है। उसके अरेस्ट करते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं दोस्तों। और इस कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार की लोग तारीफ भी कर रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के अंदर एक प्राइवेट स्कूल की कुछ वीडियो वायरल हुई थी दोस्तों, जिसमें प्राइवेट स्कूल की टीचर एक मुस्लिम बच्चे को उसके साथ में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों से पिटवा रही थी, उससे थप्पड़ मारने के लिए कह रही थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से लगातार कार्रवाई की मांग की गई। ऐसे में दोस्तों, कार्रवाई तो उस तरीके की नहीं हुई जैसी उम्मीद की जा रही थी। और दूसरे
पूरे मामले में होती है, यहाँ तक कि बुलडोजर की कार्रवाई भी हो जाती है, लेकिन इस पूरे मामले पर जस्टिफिकेशन दिया जाने लगा। और इसके बाद विपक्ष के नेताओं के साथ साथ किसान आंदोलन से जुड़े हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत ने एक कदम बढ़ाया है। वो अपने किसान साथियों के साथ दोनों बच्चे के घर पर पहुंचे, उन्होंने दोनों बच्चों को बुलाया और आपस में मेल कराया, दोनों का आपस में गले लगवाया, वीडियो शेयर करते हुए प्यार का पैगाम दिया गया है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, भाईचारा देशभक्ति सीखते हैं, लेकिन दूसरी ओर ये किस तरीके के स्कूल चलाए जा रहे हैं जहां पर खुलेआम नफरत फैलाया जा रहा है, नफरत के उदाहरण दिए जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आप भी अगर मानते हैं कि इस तरीके के पाठ पढ़ाने वाले, नफरत वाले पाठ पढ़ाने वाले शिक्षकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई और गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए, और उसके बाद जो बुलडोजर न्याय का सपोर्ट करते हैं उनको इस मामले पर भी बुलडोजर न्याय की बात करनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। और देश में इस तरीके के नफरत फैलाने के पीछे किसको जिम्मेदार समझते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ साथ दोस्तों शरद पवार ने कहा कि मैं महाराष्ट्र में बदलाव देख सकता हूं, जनता उन लोगों से निराश है जो बीजेपी के साथ गए हैं, मुझे विश्वास है कि लोग चुनाव में सही जनादेश देंगे और बीजेपी को उसकी सही जगह दिखाएंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने अपनी पार्टी के विभाजन से इनकार कर दिया। उन्होंने शनिवार को कहा कि ये सच है कि कुछ विधायक पार्टी से चले गए, लेकिन अकेले विधायकों का मतलब पूरी पार्टी नहीं होती है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विभाजित नहीं हुई है, ये सच है कि कुछ विधायक चले गए हैं, विधायकों का मतलब राजनीतिक दल नहीं है, बागियों का नाम लेकर उन्हें महत्व क्यों दिया जा रहा है, ये सवाल शरद पवार ने पूछा है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा था कि पार्टी विभाजित नहीं हुई है, अजीत पवार उनके नेता बने रहेंगे। इस बयान के बाद शरद पवार ने स्पष्ट किया है कि कोई विवाद नहीं है, लेकिन कुछ घंटों के बाद पवार ने कहा कि उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। आपको बता दें कि अजीत पवार और एनसीपी के 8 अन्य विधायक 2 जुलाई को राज्य में एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो चुके हैं। और ऐसे में दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि क्या शरद पवार इस बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो अजीत पवार के साथ में है, या अजीत पवार को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि बार बार पार्टी को एकजुट करने की बात करते हैं, जिससे लोगों के मन में एक तरीके का सवाल भी होता है कि क्या वो भी अजीत पवार के गुट के साथ में है, और अगर नहीं तो अजीत पवार गुट के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, एंटी डिफेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग क्यों नहीं करते। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर 19,000 पटवारी सड़कों पर है, राज्य में पटवारी 3 दिनों के अवकाश पर है, अब वे 28 अगस्त को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं। बीजेपी सरकार में कर्मचारियों का हमेशा शोषण हुआ है, कांग्रेस पार्टी की ओर से जानकारी देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा गया है। दोस्तों साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को ग्रीस से भारत लौटे और सीधे बेंगलुरु पहुंचे, जहां पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात की। इस दौरान वो भावुक हो गए और कई ऐलान करने लगे। उन्होंने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जिस जगह लैंडर विक्रम लैंड हुआ था उसका नाम शिव शक्ति रखने का फैसला लिया है, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अलवी भड़क गए। उन्होंने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखना हास्यास्पद है, प्रधानमंत्री को चंद्रमा की सतह का नामकरण करने का अधिकार नहीं है, पूरी दुनिया हम पर हंसेगी, प्रधानमंत्री मोदी चांद के मालिक नहीं है, हम चंद्रमा पर पहुंचे ये बहुत अच्छा है, हमें इस बात का गर्व है, लेकिन हम चांद के मालिक नहीं है। राशिद अलवी से सवाल पूछा गया कि 2008 में चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर लैंडिंग की तो उस जगह का नाम जवाहर पॉइंट रखा गया था, प्रधानमंत्री ने इस पॉइंट का नाम अपने नाम पर किसी और अन्य नेता के नाम पर नहीं रखा। इसके जवाब में राशिद अलवी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू का मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर दोस्तों इस मामले पर अब बीजेपी के लोगों की ओर से भी निशाना साधा जा रहा है, दोनों पार्टियां अपना अपना तर्क दे रही है। साथ साथ शिवसेना के सामना के अंदर लिखा गया कि भाजपा ईवीएम मशीन को हैक करके चुनाव जीतती है, भाजपा ने चुनाव आयोग को भी हैक कर रखा है, चुनाव आयोग से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है, सामना में ये बातें लिखी गई है। साथ साथ दोस्तों 2 कमरों के फ्लैट को छोड़कर 1 कमरे का फ्लैट में रहेंगे, सत्यपाल मलिक नहीं दे पा रहे हैं 55,000 रुपए किराया, सत्यपाल मलिक बोले, कहा केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है, कई पूर्व उपराज्यपालों पर मेहरबानी दिखा चुकी है सरकार, लेकिन सत्यपाल मलिक को लेकर सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दोस्तों साथ साथ आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में पढ़ाने वाले एक शिक्षक हैं दिलीप सिंह, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो राजस्थान की कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ वोट देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को गरीब लोग वोट डालते हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी और ज्यादा गरीबी बढ़ाना चाहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को अमीर लोग वोट करते हैं, इसीलिए बीजेपी गरीबी को हटाना चाहती है, यानी इनडायरेक्ट तरीके से बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। जिसके बाद लोगों ने कहा कि इस तरीके की बात करने वाले शिक्षक के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तो तुरंत कार्रवाई नहीं की और ना ही इस शिक्षक को उसके पद से हटाया गया, लेकिन करण सांगवान वाला मामला आपको याद होगा, जिसने खुलकर बीजेपी के खिलाफ भी वोट देने की अपील नहीं की थी, केवल इतना कहा था कि अगली बार किसी अनपढ़ को वोट मत देना, इतना कहने मात्र से उसे अपने पद से हटा दिया गया, एक शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गई, लोग इसका विरोध भी करने लगे। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि दो तरीके की विचारधारा
धारा है एक और, जहां पर थोड़े से क्रिटिसिज्म पर कार्रवाई कर दी जाती है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी किसी भी क्रिटिसिज्म को स्वीकार करने के लिए बड़ा दिल दिखाती है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ जिग्नेश मेवाड़ी बोले, इनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे और आपके बच्चे दूसरे बच्चों को थप्पड़ लगाएंगे। मुजफ्फरनगर के अंदर स्कूल का वीडियो सामने आने के बाद ये टिप्पणी की गई है। साथ साथ दोस्तों खड़गे ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप, कहा मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड के पीछे बीजेपी की नफरत की राजनीति है। खड़गे ने ट्विटर पर एक हिंदी में पोस्ट डालते हुए कहा कि यूपी में एक स्कूल में जिस तरह से एक अध्यापिका ने धार्मिक भेदभाव कर एक बच्चे को दूसरे बच्चों को पिटवाया, वो भाजपा आरएसएस की नफरत भरी राजनीति का विचलित कर देने वाला परिणाम है। ऐसी घटना हमारे वैश्विक छवि को काली पोत रही है और संविधान के खिलाफ ये पूरा मामला है। इस पर कार्रवाई की मांग कांग्रेस पार्टी ने की है। साथ साथ दोस्तों सीएम भगवत मान ने कहा कि राज्यपाल पुरोहित पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हैं, उन्होंने मुझे अब तक 16 चिट्ठियां लिखी है, मैं उनसे 9 के जवाब दे चुका हूं, बाकी के जवाब जल्द दूंगा। दरअसल दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगाने की बात राज्यपाल कर रहे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से ये जवाब दिया गया है। ऐसे में अगर आप लोगों को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको अपना चैनल जय हिंद।